इसरो के गगनयान मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट के नाम सामने आ गए हैं जो अंतरिक्ष में जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके नामों का ऐलान कर दिया। इससे पहले उन्होंने गगनयान मिशन की प्रगति की समीक्षा भी की और नामित अंतरिक्ष यात्रियों से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं भी दी। पीएम मोदी ने जिन नामों का ऐलान किया उनमें फाइटर पायलट प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। इनमें प्रशांत केरल के पल्लक्कड़ के निनमारा के मूल निवासी हैं जो वायुसेना ग्रुप कैप्टन के रूप में कार्यरत हैं। ये चारों एस्ट्रोनॉट भारत में हर तरह के फाइटर जेट उड़ा चुके हैं, इसलिए फाइटर जेट्स की कमी और खासियत जानते हैं। इन सभी की ट्रेनिंग रूस के जियोनजी शहर में स्थित रूसी स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में हुई है। अब ये सब बेंगलुरु के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी में रहकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। सिलेक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ने गगनयान मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट चुनने के लिए ट्रायल लिया था। इसमें देश भर से सैकड़ों पायलट पास हुए थे। इनमें से टॉप 12 का चयन किया गया। कई राउंड के बाद सिलेक्शन का प्रोसेस फाइनल हुआ और वायुसेना के 4 पायलट्स को इस मिशन के लिए चुना गया है। इसरो ने इस चारों पायलट्स को आगे की ट्रेनिंग के लिए रूस भेजा था, लेकिन कोरोना की वजह से ट्रेनिंग लेट हो गई। ये 2021 में जाकर पूरी हुई। रूस में इन पायलट्स ने कई तरह की ट्रेनिंग ली है। ट्रेनिंग के दौरान पायलट लगातार उड़ान भी भरते रहे और अपनी फिटनेस पर भी ध्यान दे रहे थे। खास बात यह है कि इन चारों को गगनयान मिशन के लिए नहीं भेजा जाएगा, बल्कि फाइनल उड़ान पर सिर्फ 2 या 3 पायलट ही मिशन के लिए चुने जाएंगे। बेंगलुरु स्थित इसरो के ह्यूमन स्पेस फाइटर सेंटर में कई तरह के सिमुलेटर्स लगाए गए हैं, इन्हीं पर इनकी प्रैक्टिस हो रही है। इसरो ने 2020 में गगनयान मिशन का ऐलान किया था। गगनयान अंतरिक्ष में भारत का पहला मानव मिशन होगा। भले ही इसरो ने 2020 में इसका ऐलान किया, लेकिन इस पर काम 2007 से चल रहा है। हालांकि तब बजट में कमी के चलते ही आगे नहीं बढ़ पाया था। इसरो के पास तब शक्तिशाली जीएसएलवी रॉकेट इंसानों को ले जाने में सक्षम नहीं थे। 2014 में इसरो ने इसके लिए GSLV Mark II रॉकेट बनाया। हालांकि इसरो ने GSLV Mark III रॉकेट के जरिए गगनयान मिशन की तैयारी की है। इसी रॉकेट से चंद्रयान लॉन्च हुआ था। 15 अगस्त 2018 को पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से ऐलान किया था कि जल्द ही भारत इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने का प्रोग्राम लॉन्च करेगा। गगनयान को 2025 में लॉन्च किया जाना है। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में इसरो ने श्रीहरिकोटा से गगनयान स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया था। ये परीक्षण ये जानने के लिए किया गया था कि क्या रॉकेट में खराबी की स्थिति में एस्ट्रोनॉट सुरक्षित रूप से बच सकते हैं। भारत के गगनयान मिशन के पहले 2022 में लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन कोरोना के चलते इसमें देरी हो गई। गगनयान मिशन के तहत 3 एस्ट्रोनॉट को 3 दिन के लिए 400 किलोमीटर दूर पृथ्वी की निचली कक्षा तक भेजा जाएगा। इसके बाद उन्हें पृथ्वी पर सुरक्षित लाया जाएगा। इसके लिए क्रू मॉड्यूल रॉकेट का इस्तेमाल होगा। भारत के लिए मिशन काफी अहम है। अगर ये सफल रहा तो अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन भेजने वाला 4th देश बन जाएगा।